आप लोग पाकिस्तान की तारीख इस चित्र में देख रहे हैं। क्या वाकई बेनज़ीर भुट्टो ने भारत को सिख रैदी पसंदों की फहरिस्तें दे दी थी? क्या पाकिस्तान के पास कभी ऐसी फहरिस्तें थी भी? यही सब आपको बताएंगे इसी किस्त में। ये दौर है 1988 का और इस दौर में खालिस्तान तहरीक अपने उरूज पर थी। ये इसी तहरीक का मकसद पंजाब को सिखों का एक अलहदा मुल्क बनाना था और दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर में आजादी की तहरीक भी अपने उरूज पर थी। इसी को देखते हुए पाकिस्तान में 1979 में पाकिस्तान में साफ कॉन्फ्रेंस हुई। साफ कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन बेनज़ीर भुट्टो राजीव गांधी से मिली और ये एक बंद कमरे में वन ऑन वन मीटिंग थी जिसमें बेनज़ीर भुट्टो और राजीव गांधी के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। और ये बेनज़ीर भुट्टो की सबसे बड़ी सफारती गलती थी क्योंकि कभी किसी वज़ीर आज़म की कोई मीटिंग जाती नहीं होती। वो रियासती मुलाजमीन के साथ बैठ कर मुल्की मसाइल हल करता है ताकि सेहत रहे और रिकॉर्ड का हिस्सा भी बना रहे, लेकिन खुफिया तरीके से कई गई मीटिंग का कोई गवाह मौजूद नहीं था जिसकी वजह से अफवाहों का उठना आम सी बात थी। इस मीटिंग के हवाले से कभी कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन जराये से मिलने वाली खबरें ही अखबार में छपती रहीं। पाकिस्तानी अखबार में छपा कि मीटिंग के दौरान भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए बात हुई है और दूसरी तरफ भारतीय अखबार में छपा कि बेनज़ीर भुट्टो और राजीव गांधी की मीटिंग के दौरान राजीव गांधी ने बेनज़ीर भुट्टो से वादा किया है कि वो सियाचेन से भारतीय फौज जरूर हटा लेंगे। इसके बाद भी राजीव गांधी भारत वापस चले गए, इसके बाद जब राजीव गांधी भारत वापस गए थोड़ी ही देर बाद पाकिस्तानी वज़ीर दाखला एहतजाज हसन भी भारत चले गए। जब वो वापस आए तो भारत में सिखों की गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई। इससे यह तासुर फैल गया कि बेनज़ीर भुट्टो ने भारत को सिख रैदी पसंदों की फहरिस्तें दे दी हैं। इस पर भारतीय वज़ीर दाखला बूटा सिंह का एक एतराज़ भी भारतीय अखबार में छपा। इस पर उन्होंने पाकिस्तान पर कश्मीरियों की ट्रेनिंग का इल्ज़ाम तो लगाया, लेकिन इसके साथ उन्होंने यह भी एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने जो खालिस्तान तहरीक से लातारकी का वादा किया था पाकिस्तान आज भी उस पर कायम है। इस वाक़े के बाद राजीव गांधी जुलाई 1979 को पाकिस्तान आए। द न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बेनज़ीर भुट्टो ने राजीव गांधी से सियाचेन वाला वादा पूरा ना करने पर शिकवा किया। इस पर राजीव गांधी ने कहा कि भारतीय मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अभी सियाचेन को खाली करने पर राजी नहीं है, लेकिन जब वो वज़ीर आज़म बनेंगे तो वो ज़रूर अपना वादा पूरा करेंगे। लेकिन 1979 के इंतखाबात के बाद वो वज़ीर आज़म ही नहीं बन सके और यही वादा ही रह गया। ये खालिस्तानी पसंदों की तारीख आज भी दोहराई जाती है। ये इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी का स्टिंगर मिसाइल की तरह पीछा करता है। इस पर हमें हमीद गुल जिनको बेनज़ीर भुट्टो ने ISI चीफ के अहदे से हटाया था और जो पीपल पार्टी के नज़रियात से बिल्कुल खिलाफ थे और बेनज़ीर भुट्टो के भी बिल्कुल खिलाफ थे, उन्होंने भी दो टोक अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तान के पास कभी ऐसी फहरिस्तें थी ही नहीं है। हमारे चैनल हमारी के एक साथ बर वक्त देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।